हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज यतीश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनालिसिस ऑफ ट्वेंटी 2021. तो आइए देखते हैं कितनी स्टेजेस में आईजीएसओ का एग्जाम होने वाला है सो आईओ फर्स्ट स्टेज का नाम दिया है ओ सी एंड आईजीओ नॉर्मली इंडिया वैसे कंडक्ट करा रहा है आईजीएसओ टू से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है और आई थिंक नाइन uh, ऑनवर्ड्स हमेशा ये एनएससी कराते थे एग्जाम एनएससीजेस एग्जाम कराते थे और उसके बाद आई एन का एग्जाम होता था एंड देन उसके बाद फिर बच्चा ओ में जाता था तो प्रोसीजर ये रहता था कि एन से आई में 300 स्टूडेंट्स इनको ऑल इंडिया सेलेक्ट करने हैं और यहां से कैंप में 35 स्टूडेंट्स इनको सेलेक्ट करने होते हैं बट दिस टाइम इन्होंने ये दोनों स्टेजेस क्लब करके बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कोविड पैंडेमिक की वजह से ये दोनों स्टेजेस क्लब करके एक सिंपल सिंगल उन्होंने एग्जाम कराया और इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन जूनियर साइंस इन्होंने एग्जाम कराया तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दो स्टेजेस की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कैंप भी वो करवाएंगे और ये एग्जाम ऑलरेडी वो करवा चुके हैं ट्रेनिंग कैंप प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप और फाइनल स्टेज जो है आईजीएसओ की जो किसी होस्ट कंट्री में होती है इनका अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है। तो लेट अस सी कि ये जो आईक्यूजेएस है इसके लिए कौन एग्जाम कराता है तो इन्होंने कहा कि हम दोनों पेपर को क्लब करके एक ही पेपर कराएंगे आईक्यूजेएस तो आईक्यूजेएस एक 3 आवर्स का पेपर होगा 3 आवर्स टू पार्ट्स एग्जामिनेशन होगा पहला पार्ट जो आएगा वो एन एस लेवल का आएगा सेकेंड पार्ट जो दो घंटे का पेपर होगा वो आईन जो लेवल का आएगा एंड इनके बेसिस पर पर वो OCC का कैंप लगाएंगे ये दो चीजें इन्होंने अभी साइड बता रखी तो लेट अस सी पेपर पैटर्न क्या रहा ये पेपर पैटर्न इन्होंने स्टूडेंट ब्राउसर में दे रखा था कल जो 230 से 330 पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर जो हुआ है उसमें टोटल 32 क्वेश्चंस आए थे मैंने आईओ क्यूजेस पहला जो पेपर है उसको पेपर वन नाम दिया है एंड इट इज स्टैंड फॉर लेवल तो टू क्वेश्चन थे एट मल्टीपल करेक्ट आंसर मतलब मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो सकते हैं इस तरीके से आए थे और ये जो पैटर्न है ये पैटर्न टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड सेवन एंड 2008 में ये पैटर्न हुआ करता था क्या कि उसमें सिंगल करेक्ट आंसर और मल्टीपल करेक्ट आंसर दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते थे 2007 और 2008 दो साल उन्होंने ऐसा पेपर बनाया था और ये जो मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर वाले हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और सिक्स क्वेश्चन सिक्स मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन था तो फोर्टी और ट्वेंटी फोर तो टोटल तो तो मार्क्स आपके आगे वन ट्वेंटी तो यहां पर में आ, जो था दुनिया जो पहले के पहले के दुनिया थी आप लोगों की उसमें टोटल मार्क्स 240 हुआ करते थे एनएस के जो इस बार 120 टोटल मार्क्स हो गए हैं सेकंड पेपर को देखते सेकंड पेपर इन टोटल हमने सोचा था सभी ने, था, बच्चों ने था कि केवल देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तो भी दे दिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काउंट सिंगल करेक्ट था और ट्वेल्व क्वेश्चन थे प्लस थ्री फोर और माइनस वन था सब्जेक्टिव क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे तो ये 12th uh, त्रिज्या 36 प्लस नाइन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनमें uh, जैसे 17.1 17.2 7.17.3 जिन बच्चों ने ये पेपर 8th क्लास वाले बच्चे नॉर्मली एनएससीज देते थे वो क्वालिफाई बहुत मुश्किल से होते थे फिर उनको आईएनजेसो का पेपर देखने को मिलता था लेकिन इस बार जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है तो मैक्सिमम बच्चों ने कोशिश करी है कि दोनों ही पेपर हम देकर बाहर निकले हालांकि उन्होंने कहा था जो एक पेपर देकर घर जाना चाहता है 15 मिनट का ब्रेक था आप घर जा सकते थे लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने दोनों पेपर दिए होंगे अब दोनों पेपर देने में क्या हुआ उन सभी बच्चों को एक साथ उन सभी बच्चों को एक साथ पेपर टू का भी एक्सपोजर हो गया और पेपर टू इट्स वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन उसमें आते हैं उसमें क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा नहीं होता लेकिन जो लैंग्वेज रीडिंग कैपेसिटी आप लोगों की चाहिए इतना एक्सपोजर जो नॉर्मल एट नाइन स्टूडेंट जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल से इसको एक्सपोजर मिलता है लेकिन इस बार सभी बच्चों को एक्सपोजर मिल चुका है तो इसका टोटल मार्किंग हंड्रेड था तो देखते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या रहा तो हमारे अकॉर्डिंग पेपर वन में सेवन इजी क्वेश्चन थे मॉडरेट क्वेश्चन 16 थे और डिफिकल्ट 9 थे टोटल 32 क्वेश्चन थे सही पेपर टू में टू क्वेश्चन इजी हम मान सकते हैं मीडियम और मॉडरेट हम 10 क्वेश्चन मान सकते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन का काउंट 9 हमारे अकॉर्डिंग होगा आइए देखते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या है तो पेपर वन में क्या हुआ था कि पेपर 1 में 1 टू 6 आपको जैसे पता है पेपर 1 24 प्लस एट क्वेश्चन का आया था तो ट्वेंटी फोर के इन्होंने फोर पार्ट कर दिए सिक्स सिक्स और सिक्स सिक्स क्वेश्चन फिजिक्स के सिक्स क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सिक्स बायो के सिक्स केमिस्ट्री के और एट के भी इन्होंने फोर पार्ट कर दिए टू 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 तो इस तरीके से फिजिक्स में पार्ट uh, ए में छ क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट वाले आए हैं दो क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट वाले आए हैं टॉपिक्स जो कवर हुए हैं डिफिकल्टी लेवल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो था वो आपके सामने मेंशन है लाइट नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट देखिए लाइट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशन अटेंड करे हैं तो एनालिसिस में ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न मोल कंसेप्ट केमिकल इक्रियम मोल कंसेप्ट तो इसमें भी मोल कंसेप्ट का वेटेज सबसे ज्यादा आता है वो दिख ही रहा है केमिस्ट्री में बायोलॉजी में जेनेटिक्स सबसे ज्यादा है और यहाँ हम बात करें तो ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक था नंबर सिस्टम था इनका ओवरऑल इक्वल वेटेज इन्होंने बनाए तो पेपर वन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायो इन टोटल सभी के थर्टी थर्टी मार्क्स वाले क्वेश्चन थे और टोटल फोर पार्ट थे या फोर सब्जेक्ट थे तो वन ट्वेंटी इनका टोटल आ रहा है

पहले बारह क्वेश्चन में से ये चार क्वेश्चन बायोलॉजी के थे लास्ट के नौ क्वेश्चन में से ये तीन क्वेश्चन बायोलॉजी के थे उनके टॉपिक हम यहाँ पे देख सकते हैं डिफिकल्टी लेवल हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा ये देख सकते हैं और इनका वेटेज कितना था ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं तो थर्टी फोर इज द टोटल वेटेज ऑफ बायोलॉजी इन पेपर टू फिजिक्स का टोटल वेटेज हम थर्टी वन देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी फोर्स एनएलएम साउंड इनके क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री इसमें केमिस्ट्री में अगेन जैसा हमने देखा था कि चार क्वेश्चन और प्लस दो क्वेश्चन इसमें यहां मेंशन है टोटल वेटेज इनका 35 है इस बार का पेपर अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के पेपर से आपको इजी लगेगा डिफिकल्ट लगेगा ये अपन अभी बात करने वाले हैं बट इसमें एक क्वेश्चन शायद केमिस्ट्री का था जो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में नहीं था 2.8 समथिंग आंसर आ रहा था ऑप्शन में 5 समथिंग था सिमिलरली दो क्वेश्चन और ऐसे थे जिनका ऑप्शन में आंसर अवेलेबल नहीं था नाउ इफ यू टॉक अबाउट कट ऑफ हम कट ऑफ ही प्रिडिक्ट uh, करने यहां आए हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती आइए समझने की कोशिश करते हैं हर साल 80 क्वेश्चंस आते थे हर साल 80 क्वेश्चंस आते थे और 240 मार्क्स होते थे 80 क्वेश्चन एंड 240 मार्क्स इस बार 32 क्वेश्चंस आए और 120 मार्क्स हैं और 120 मार्क्स हैं।, हैं अब ये 120 मार्क्स जो हैं डिवाइड हो रहे हैं 72 में और 48 में 72 का नेचर इस 240 मार्क्स की तरह ही है क्यों क्योंकि प्लस थ्री माइनस वन वाले क्वेश्चन है 48 का नेचर डिफरेंट है 48 का नेचर क्यों डिफरेंट है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 48 मतलब कि जो आठ क्वेश्चन थे जिनके हर क्वेश्चन का मार्क्स काउंट सिक्स था तो ये 48 मार्क्स अगर आपको इसमें अटेम्प्ट करने थे तो सारे ही इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी लेकिन साथ के साथ अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए बी सी तीनों है तो तीनों टिक होने पर ही आंसर मिल रहा था तो दोनों चीजें नेगेटिव मार्क्स से आपको अगर आजादी मिली है तो आपको एक से ज्यादा जितने भी पॉसिबल सही आंसर है वो सारे ही टिक करने थे। तो कहा जा रहा है कि ये पेपर इस वजह से सिंपल हुआ होगा लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए सारे ऑप्शन टिक कर पाना सभी क्वेश्चन में एक्यूरेसी के साथ कट पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट सो लेट्स सी क्या कट ऑफ हो सकती है और ये हम लोग क्लास में लास्ट ईयर एक बार इस एग्जाम को दे चुके हैं नाइन्थ क्लास में इस साल देंगे और टेंथ क्लास में भी हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर दें अगर वो एज क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं और उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो तो जो बच्चे थर्ड टाइम या सेकंड टाइम देते हैं और कहीं ना कहीं एडवांस भी पढ़ते हैं तो वो बच्चे आते हैं आपके हाइअर स्कोर पर और उन्हीं बच्चों के स्कोर से डिसाइड होता है एवरेज ऑफ टॉप टेन स्कोर जो डिसाइड होता है उन्हीं बच्चों से डिसाइड होता है तो उसका मतलब क्या है मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करते हैं एनए से आई में जाने के लिए इन दिस स आईक्यू जेस केस में पेपर वन से पेपर टू में जाने के लिए पेपर वन चेक हो जाए और पेपर टू की कॉपी चेक हो वो जो गेप है वो इसी पर डिपेंड कर रहा है जो हर साल एन एस में जाने पर डिपेंड करता था तो ये निकालते क्या है टॉप टेन स्कोर निकालते हैं टॉप टेन स्कोर मतलब ये सब 240 में से ना? ये सब सब में में से से है है ना तो टॉप स्कोर निकालते हैं उसका फिर एट्टी परसेंट निकालते हैं और उसको बोलते हैं एम आई मेरिट इंडेक्स उसका 50 परसेंट निकालते हैं उसको बोलते हैं एम एस मिनिमम एडमिसिबल स्कोर हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि आपका एम आई और योर स्कोर जो है, score, अगर ग्रेटर तो आप अपने स्टेट के स्टेट कोटा से मुक्त हो गए स्टेट कोटा कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप हंड्रेड परसेंट सिलेक्टेड होंगे लेकिन आपका स्कोर आपका स्कोर लेस देन एम एस आया तो आपके स्टेट में आप फर्स्ट रैंकर होंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा यहां सिलेक्शन का मतलब इस साल के लिए आपकी पेपर टू की कॉपी चेक नहीं होगी ठीक है तो दिस इज मैंने आपके रेफरेंस के लिए 2016, 17, 18 और 19 का लिखा है देखा जाए सबसे हार्ड जो पेपर है सबसे हार्ड जो पेपर टू का आया हार्ड पेपर आया तो एवरेज बहुत कम आया था एवरेज कम आया था तो एम बहुत कम आया था और आपका एम भी बहुत कम आया था 2017 का पेपर सबसे इजी है इन चारों में अगर बात करें लेकिन आप कहेंगे सर 2019 का भी तो संभव सेम ही आ रहा है एक्चुअली पेपर इजी है टफ होना ये अलग बात होती है लेकिन ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है वो टॉप टेन स्कोर डिसाइड करते हैं टॉप टेन स्कोर कौन से हैं मान लो दस बच्चे बहुत अच्छे उन्होंने ना बहुत सारा पढ़ लिया तीन साल से पेपर दे रहे हैं और उनके मार्क्स अगर अच्छे आगे उनके मार्क्स अच्छे आगे तो सबके लिए एकदम से डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है सो so, हम बात करें इस साल का पेपर वन का पेपर वन से पेपर टू में कॉपी आपकी चेक हो उसका कट ऑफ क्या अच्छा जाएगा तो हम इस बार बात करें कि वन मार्क्स का जो पेपर है आप मैक्सिमम यहां पे देखें तो 199 नाइन

ऑफ टॉप टेन स्कोर उनका एट्टी परसेंट मेरे ख्याल से एट्टी फोर मार्क्स आएंगे और इनका एमएस फिफ्टी टू पॉइंट फाइव आता है तो वो जो उससे लीस्ट इंटीजर होता है उससे जो लीस्ट इंटीजर होता है वो ये कंसिडर करते हैं तो फिफ्टी टू मार्क्स ये एमएस कंसिडर कर सकते हैं फिफ्टी टू मार्क्स फिफ्टी टू मार्क्स दे कैन कंसिडर जस्ट अ सेकेंड फिफ्टी टू मार्क्स कंसिडर कर सकते हैं तो हमने पिछले एक, दो, तीन, चार, चार साल का हमारे पास एवरेज है एम आई है एमएस है उसके बेसिस पर हमने देखा कि अभी तक मैक्सिमम जो एवरेज गया है वो वन नाइनटी नाइन गया है इस बार का पेपर अगर नेगेटिव मार्किंग फोर्टी एट मार्क्स में नहीं थी तो फोर्टी एट मार्क्स में ऑप्शन भी एक से ज्यादा सही होने के चांसेस थे तो इस वजह से सम हाउ वो 85 परसेंट के आसपास एवरेज रहेगा उसका 80 परसेंट एम रहेगा और उसका 50 परसेंट आपका एमएस रहेगा अब बात करते हैं हम स्टेट वाइज कट ऑफ की स्टेट वाइज कट ऑफ में आप देख सकते हैं यहाँ 2017 से लेकर मैंने 2019 लिख रखा है सीट्स कितनी हैं हर साल कितने कितने सिलेक्शन हुए हैं ये सब इसमें मेंशन है तो एक बार वापस से पीछे चलते हैं हम बात करते हैं 159 और 99 ये चीज याद रखना 118 और 74 लास्ट टू इयर्स का एक बार देख लेते हैं आप यहां पे देखिए 25 सीट्स हैं लेकिन सिलेक्शन 30 नहीं हुए 25 सीट्स थी लेकिन सिलेक्शन 18 नहीं हुए मतलब यहां पे इतने बच्चे अवेलेबल ही नहीं थे जिनके एम के बराबर भी मार्क्स आ जाते ऐसा क्यों हुआ क्योंकि तो टफ था और 2019 का भी पेपर टफ हो या नहीं हो लेकिन वो टॉप टेन स्टूडेंट्स जो थे टॉप उन्होंने एम आई एम एस सब बढ़ा दिए तो ये जो सारे बच्चे हैं ये जो सारे स्टेट हैं जहां पर आपकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में एम एस के आसपास ही जाती है तो इन सबकी भी कट ऑफ इस साल भी पेपर वन से पेपर टू चेक होने की एम एस के आसपास ही जाएगी मतलब इट विल बी 52 अराउंड यहाँ से यहाँ तक हम मान सकते हैं इन सब की 52 अराउंड ही जाएगी क्या पेपर वन से पेपर टू चेक होने की कट ऑफ और यहाँ पर फिर 52 के बाद थोड़ी सी बढ़ सकता है 53 आ सकता है 55 आ सकता है 57 आ सकता है आगे हम चलें अब यहां पे आप देखेंगे कि सर यहां क्या हुआ था पिछले साल यहाँ कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ कि पिछले साल यहाँ पे पिछले साल कोई सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ बच्चों ने एम आई एम एस इतना बढ़ा दिया था कि वहाँ एमएस स्कोर करने वाला कोई बच्चा ही नहीं था वट बाई पॉइंट सो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके मिनिमम एडमिसिबल स्कोर नहीं आए लेकिन इस बार 52 टू है पेपर इतना टफ नहीं था आ सकते हैं यू कैन मतलब बच्चे ला सकते हैं मार्क्स बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स की ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एम से ज्यादा कट ऑफ है स्पेशली मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश डेफिनेटली इसमें आएगा साउथ साइड के जो है उसमें एम से ज्यादा इनकी कट ऑफ है दिल्ली और राजस्थान की भी कट ऑफ अच्छी जाती है तो वी कैन कंक्लूड नाउ हमारा एम आई था तो हम कह सकते हैं एट्टी अराउंड 84 अराउंड कट ऑफ जाएगी राजस्थान की इनकी मैक्स टू मैक्स 88 तक टच कर सकती है 88 से बिलो 88 ही रहेगा लेस देन और एटी एट रहेगा सिमिलरली दिल्ली का भी हम बात करें तो 83 और 85 के बीच में ये रह सकता है क्योंकि इसकी सीट्स जो है नंबर ऑफ सीट्स कम है

क्योंकि पेपर टू भी हो चुका है आयन जेसू का भी हो चुका है तो उसकी भी कट ऑफ एक साथ ही बतानी पड़ेगी है ना तो हम देख लेते हैं पिछले कुछ सालों में क्या पैटर्न रहा है 2017 अभी ध्यान रखना टू थाउजेंड से होता है एनएसजेस अगर टू में होता है तो फैब में हुआ करता था नॉर्मली आई एनजीसू का तो यहाँ पे ये 2019 में एनएसीजेस हुआ था तो 2020 में आई हुआ था अभी हम बात कर रहे हैं 2020 और 21 की तो 2020 में आपके नॉर्मली नौ, नवंबर मंथ में होता है इस बार 17 जनवरी को करवाया तो नवंबर और फरवरी का बीच में 17 जनवरी को दोनों एक साथ करवा दिया तो लेट्स सी द लास्ट ईयर कट ऑफ ये भी हर साल पेपर और मार्क्स बदलते रहते हैं लेकिन सम हाउ इस बार का जो पेपर था पेपर टू था INJSO लेवल का जो पेपर था वो लास्ट ईयर से तो इजी था क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्किंग स्कीम इन्होंने दी थी इस बार इन्होंने ऑब्जेक्टिव भी दे दी थोड़े मार्क्स उसमें आ जाएँ आपके और फिर सब्जेक्टिव भी दे दी जिसमें आपको करके बताना पड़ेगा स्टेप मार्किंग उसमें थी ठीक है तो वी कैन सी मैक्सिमम कट ऑफ अभी तक जो गई हो 60% गई है 2019 में और लास्ट ईयर का पेपर बहुत ज्यादा टफ था इस वजह से 91 मतलब कि अराउंड 50% परसेंट गई है तो दिस ईयर दिस ईयर जो है एप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग और जो बच्चों से बात हुई है एक बच्चा है जो लास्ट ईयर राजस्थान टॉपर था उसके मार्क्स आ रहे हैं 63 65 के अराउंड तो इस साल की जो कट ऑफ जानी चाहिए यह कट ऑफ किसके लिए है आपका पेपर 2 चेक हो जाएगा नाउ देन यू विल बी एलिजिबल टू अटेंड द OCC कैंप ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप जो फिर मुंबई में होगा इस बार अब तो 14 डेज का होने लग गया पहले 21 दिन का होता था तो दिस कट ऑफ विल बी 55 से 58 परसेंटेज बोलें या मार्क्स बोलें क्योंकि 100 में से और ये नेशनल वाइड होती है इसमें कोई स्टेट कोटा नहीं होता तो टॉप 35 स्टूडेंट्स इनको पूरे नेशन से उठाने और उनमें 55 से 58 मार्क्स जो लाएंगे उनका ये के सिलेक्शन होगा 55, 58 अपर लिमिट इससे ऊपर कट ऑफ मेरे ख्याल से नहीं जानी चाहिए तो दैट्स ऑल फ्रॉम द तो प्लीज विजिट अवर साइट फॉर डिटेल सॉल्यूशन एंड आंसर की ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट थैंक यू सो मच